नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी बुधवार को अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए थे। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी, बल्कि अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का भाषण कोरोना प्रबंध, आतंकवाद, आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में सुधार पर केंद्रित रहेगा। भारत दरअसल लंबे समय से अपना दावा स्थायी सदस्य के तौर पर पेश करता रहा है। वहीं पाकिस्तान को लेकर भी बातचीत होगी। आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी में पाकिस्तान शामिल है, ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। द्विपक्षीय वार्ताओं और क्वाड में चीन को लेकर भी बातचीत होगी। तमाम देश चीन की दादागिरी से परेशान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया। बता दें वहीं पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। ऐसे में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री जैसे उनका एरोप्लेन लैंड किया, जैसे वो विमान से उतरे तो सीधा भारतीयों के बीच वो पहुंच रहे हैं। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत अमेरिका की तरफ से भी किया गया। साथ ही बता दें आज जो बाइडन से मुलाकात नहीं होगी, कमला हैरिस से प्रधानमंत्री की आज मुलाकात है। उससे पहले 5 बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात भी पीएम मोदी करने वाले हैं। लखीमपुर खीरी में नगर पालिका की तरफ से अचानक गृहकर में कई गुना की नई वृद्धि को लेकर नगर व्यापार मंडल जनहित में लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल पालिका के चेयरमैन और ईओ से मुलाकात के बाद व्यापारी नेताओं ने सभासदों के साथ बैठक की और बैठक में व्यापारी नेताओं ने सभासदों से जनहित में नगर पालिका की तरफ से गैर जिम्मेदाराना ढंग से बढ़ाए गए गृहकर पर अंकुश लगाए जाने को लेकर सहयोग मांगा, जिसके बाद मौजूद सभासदों ने व्यापारी नेताओं को बोर्ड की बैठक में उनकी मांग को रखते हुए समर्थन का आश्वासन भी दिया है। कासगंज के थाना अमापुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया। दरअसल बुजुर्ग हरपाल की हत्या उसके बेटे सुनील ने प्रॉपर्टी विवाद की वजह से की थी, जहां उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेरे पिता जमीन में मुझे हिस्सा नहीं दे रहे थे, जमीन दूसरे भाइयों को दी जा रही थी, इसलिए मैंने मौका पाकर तारकचंद के धान के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बता दें पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। साथ ही अभियुक्त को जेल भी भेजा जा रहा है। ये हमारे जिले में थाना है अमापुर, उसके सुजरई गांव में 19/20/9 की रात्रि में एक घटना की सूचना मिली थी। एक बुजुर्ग थे करीब 62 साल के हरपाल सिंह जाटव, उनके कान के पास गोली लगी थी। जिला अस्पताल लोग लाए थे यहाँ कासगंज में, बाद में मृत घोषित हो गए थे। तो उस पर उनकी पत्नी द्वारा बनाम अज्ञात में 302 का मुकदमा 239/21 लिखवाया गया थाना अमापुर में। तो CO सहावर साहब हैं शैलेंद्र सिंह, इनके नेतृत्व में SO अमापुर मृदुल कुमार और लोगों की टीम बनी थी। तो इसमें इसका बेटा ही इसका कातिल निकला, कोई उसको उसका नाम सुनील है और ये सुनील का ये माँ बाप से अलग रहता है। इसका एक और बेटा अवधेश कुमार भी है, लेकिन ये अपने माँ बाप से अलग रहता है। इसकी पत्नी से भी इसका विवाद चलता है, तो घरेलू संपत्ति विवाद को लेकर अपने बाप से दुखी रहता था। और उस दिन वो धान में पानी लगाने गए थे, मौका देख के किसी ने गोली मार दी थी, बाद में सब सूचना दिए कोई और गोली मार के चला गया है। तो इसमें जो अपना हमारा स्ट्रांग सिस्टम होता है पूछताछ से और जितने एविडेंस थे उससे घटना का अनावरण हुआ है, और जो इसका बेटा है इसका कातिल निकला, इसको जेल भेजा जा रहा है।
वहीं अमेठी के गौरीगंज नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जल निकासी के लिए नाली का निर्माण न होने के चलते लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बता दें कि पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश के चलते तमाम जगहों पर जल जमाव हो रखा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सांप बिच्छू सहित तमाम जहरीले जानवरों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसी के साथ लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं और इतनी समस्याओं के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, पर अभी तक मामले में अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनपद मुख्यालय गौरीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी की ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो साफ तौर पर मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह से पानी भर चुका है। ऐसे में पानी से होकर ही लोगों को गुजरना पड़ रहा है। नगर पालिका की साफ तौर पर लापरवाही यहां पर देखी जा सकती है, किस तरह से ये पानी भरा हुआ है। ऐसे में तमाम बीमारियां भी फैल सकती हैं, जिसकी चपेट में लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अलीगढ़ में उस वक्त एक हैरान कर देने वाला वाक्य घटा, जब महज तोता देखने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दलित परिवार की पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जिले की कोतवाली ऊपर कोट इलाके की धोबी वाली गली का है, जहां दलित परिवार का युवक बाजार गया हुआ था और इसी दौरान बाजार में एक तोता उड़कर आ गया था, जिसे वहां खड़े लोग और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित होकर देखने लगे। वहीं जब युवक भी वहां पर खड़े होकर तोते को देखने लगा, जहां किसी बात को लेकर युवक की किसी से कहा सुनी हो गई और इसी बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जब युवक के परिवार वाले युवक को बचाने पहुंचे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की और पूरे परिवार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसके बाद परिवार मामले की शिकायत लेकर ऊपर कोर्ट कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस भी मुकदमा लिखने में आनाकानी करती नजर आई। पर मामला ज्यादा ही बढ़ता देख पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। वहीं मामले में दलित परिवार का कहना है कि अगर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा परिवार हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेगा। सर, हम गए थे सामान लेने दुकान पर, तो हमें बदतमीजी कर रहे थे, हमारे संगाली उपतारी कर रहे थे, हमें मारा था उनने, हमारी माँ और भाई गया था बचाने, उनको भी मारा था। और भैया कुछ नहीं थी वहाँ पर, एक तोता आया था, उसको देखने लगे थे सारे लोग, बस इतनी बात थी। इस चक्कर में सारे लोग डंडे फंडे निकाल के मारने लगे हैं हमें, और नाम उनके उनके हैं अजय नाम है और लाला राम, बोलू, प्रदीप, मनीष, कपिल, गोविंदा, उमेश, ये सारे नाम हैं, 7-8 लोग हैं। ये घटना है ये रात की 9:30 बजे की, हाँ 8:30 बजे की बात है। हाँ, हमारे बजे जो होती है अगर बच्चे कितों को लगा के जाते हैं उन्हें धर पीट दें, और बच्चे कहते हैं तो फिर घर बार बालक गई बहू दिया गई तो जो पीट जा रही हैं। कौन लोग हैं वो? धोबी हैं वो। अब उसमें मेरा बच्चा दुकान पे गया सौदा लेने, तो गाली वाली दे रहे थे, तो मेरे बच्चा वहीं पर पकड़ लिए और वहीं मेरा लड़का दे के मार लिया, और हम बचाने गए तो हम भी सबरे पकड़ लिए वहाँ पर, और हम सब मारे मेरे लौंडे के पाया मारा फेंक के घर में से डंडा ले लेके आए, तो मैं बजे आई थी, तो फिर मैं चौकी गई थी, तो चौकी में सुनाई नहीं कोई भी ना चौकी में, तो मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी कोई बात की। वहीं मथुरा के थाना गोविंद नगर महाविद्यालय क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने मांस तस्कर की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि तस्करों की तरफ से गाड़ी से गौ मांस की तस्करी कर आगरा से मथुरा लाया जा रहा था। ऐसे में योगी सरकार ने कृष्ण जन्म स्थान से 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था, जिसके बाद गौ रक्षक दल के योद्धाओं ने मांस की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही गौ मांस तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मथुरा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही कृष्ण नगरी जन्मभूमि से 10 किलोमीटर का दायरा योगी सरकार ने
तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर दिया था। उसके बाद जब ये चेकिंग की जा रही थी तो ऐसे में मथुरा के थाना गोविंद नगर महाविद्या क्षेत्र में ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये आगरा से गौमांस मथुरा के लिए आएगा, तो सूचना के आधार पे हमने इसका पीछा किया, तो पीछा करने पे ये गाड़ी हमने यहाँ पे ये कौन सा कुंड है इसके सामने आके कुंड के सामने पकड़ लिया। प्रशासन को हम पिछले एक घंटे से फोन कर रहे हैं, केवल 3 सिपाही आए यहाँ पे, अभी तक प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी नहीं आया। इससे 15 दिन पहले भी हमने थोड़े आगे यही पे मांस पकड़ के दिया है, लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन इसी तरह से ये कर रहा है और योगी जी के सख्त आदेश है कि मथुरा में 10 किलोमीटर के दायरे में ये मांस अंडा सब बंद होना चाहिए। थाना गोविंद नगर की महाविद्या कॉलोनी है, महाविद्या कॉलोनी में महाविद्या कुंड महाविद्या देवी मंदिर के पास में, यहाँ गौरक्षक दल ने अभी गौमांस पकड़ा है और पूरे गौरक्षक मतलब ये गौ तस्कर भी पकड़ लिए हैं साथ में। कितने लोग हैं? गौमांस पूरी गाड़ी में भरा हुआ है, 3 गौ तस्कर है। ये मांस कहाँ से लाया है? आगरा से लेके आ रहे हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आ रही है, पुलिस आई है, यहाँ कोई बड़ा अधिकारी मौजूद होना चाहिए। तो मथुरा का पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि तस्करों की तरफ से गाड़ी से गौमांस की तस्करी कर आगरा से मथुरा उसको लाया जा रहा था। दरअसल योगी सरकार ने कृष्ण जन्म स्थान से 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया था, जिसके बाद गौ रक्षक दल के योद्धाओं ने ये मांस की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही गौमांस तस्करी करने वाले 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। लगातार बता दें उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर बड़ी मात्रा में गौ तस्करी की जाती है, लेकिन जब जानकारी इसकी मिलती है तो पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच जाती है और गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। मथुरा में भी यही हुआ है, मथुरा में भी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें 3 तस्कर थे जो आगरा से इस गौ मांस को मथुरा लेकर पहुंचे थे। हालांकि कहां पर इनको लेके जाना था इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब से योगी सरकार ने कृष्ण जन्म स्थान के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया है तब से ही उसके बाद बता दें गौ रक्षक दल के योद्धा लगातार चेकिंग करते हैं और इसी दौरान उन्हें मांस की ये बड़ी खेप उन्होंने पकड़ी है। साथ ही बता दें कि गौ मांस तस्करी करने वाले 3 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, गौ तस्करों को पकड़ा है, कहां से ये तस्करी करके गौमांस को ला रहे थे और कहां पे इसको ले जाना था? सुरेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? शायद संपर्क सुरेश से नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें 3 गौ तस्कर थे जो आगरा से मथुरा गौ मांस की तस्करी कर लाए थे, लेकिन जब से तीर्थ स्थल यहां पर घोषित कर दिया गया है तब से ही गौ रक्षक जो है वो लगातार इस तरह की चेकिंग करते हैं और इसके तहत ही बड़ी चेकिंग करते हुए खेप पकड़ी गई है और ऐसे में गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेश सैनी हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बताएं बताएं जी, बोले जी। सुरेश, जिस तरह से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, कहां से ये मांस को लेकर आ रहे थे गौ मांस को, कहां पर इसको ले जाना था? जी मैं आपको बता दूं, ये सफलता पुलिस को नहीं मिली है, पुलिस सिर्फ इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह से मथुरा में जो सीएम योगी द्वारा मथुरा को धर्मस्थली घोषित किया गया, उसके बाद इसको ड्राई एरिया घोषित करते हुए मांस मदिरा पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर एरिया को तीर्थ स्थल घोषित किया है, उसके बाद से पूरे गौमांस और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गौ तस्कर है, जो गौमांस के व्यापारी हैं, जो गौ मांस की तस्करी करते हैं, उन पर लगाम लगने की कोशिश जो है वो नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आगरा से कल ये लोग एक गाड़ी में गौ मांस भरकर मथुरा में सप्लाई करने के लिए ला रहे थे और जैसे ही मथुरा के किस जन्मभूमि के पास एक पोतरा कुंड महाविद्या देवी मंदिर पड़ता है, उसके पास जब यह गाड़ी लेकर के पहुंचे, वैसे ही वहां के स्थानीय लोगों को ये एहसास हुआ
कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि हिंदुत्व के या हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्मनाक या कहें तो एक तरह से कि जो है ये गोमांस हो सकता है। तो जिस पर जब स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा और उनकी जांच पड़ताल पूछताछ की तो उसमें बड़ी मात्रा में गोमांस जो है वो भरा हुआ था गाड़ी में, जिसके बाद जहां 3 गौ तस्करों को लोगों ने पकड़ लिया और कई घंटे तक जब उनको वहां बिठाए रखा, पुलिस को सूचना दी, उसके काफी देर बाद जब पुलिस पहुंची उसके बाद जहां लोगों का आक्रोश पनप गया कि जिस तरह से योगी द्वारा मथुरा को धर्मस्थली तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, उसके बावजूद भी गौ तस्करी के साथ साथ गौमांस की तस्करी पर रोक नहीं लग पाई है, तो उसको लेकर के पुलिस जो है वो अभी भी हिला हवाले दिखा रही है। तो लोगों का आक्रोश पनप गया और उन्होंने लगभग 1 घंटे तक रोड को जाम कर दिया। बिल्कुल सुरेश, क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये लोग कब से तस्करी करते थे? जी, जिस तरह की बताया कि ये लोग सारे ही जो है वो एक समुदाय विशेष के लोग हैं, जो कि इनका एक तरह से अगर देखा जाए तो काम पिछले कई सालों से सिर्फ ये गौ तस्करी या गौ मांस का ही तस्करी करने का काम करते हैं। और चूंकि ये अब जब मथुरा में गौ मांस नहीं मिल पा रहा था, चूंकि यहाँ पर अब इस समय गौ मांस की जो है मांग बढ़ गई, लोगों को जिनको इस गौ मांस के खाने की आदत है या जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जब उनको आदत उनकी जो है मथुरा से पूर्ति नहीं हो रही थी तो आगरा से इस तरह की गौ तस्करी गौ मांस का तस्करी की जा रही थी, और जिनको यहाँ पे स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसके बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद जहाँ लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा था लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है। जी चलिए सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर बता दें गौ रक्षक दल के योद्धाओं ने ये मांस की बड़ी खेप को पकड़ा है, साथ ही गौ मांस तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें वहां के स्थानीय लोगों ने ही इनको पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। मऊ में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सफाई कर्मियों और कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन ने ठेकेदार की मिलीभगत से 5 साल से उनका PF न मिलने वाले पैसे को गबन कर दिया है। हालांकि इस मामले में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार की तरफ से किए गए गबन के पैसों को जल्द से जल्द दिलाने का आश्वासन दिया है। पहली बात को जो इन्होंने नगर पालिका में आए हैं तो हमसे व्यक्तिगत मिल करके इन्होंने कोई बात नहीं बताई, और इनका कहना है कि 2011 से हमारा APF का पैसा 5 साल का नहीं मिला, वो मेरा पीरियड APF का, और उसकी कार्रवाई के लिए नोटिस दे दिया गया है, वो प्रकरण की जांच चल रही है और हर हालत में वो प्रक्रिया चल रही है, इसलिए कि वहाँ पर APF का वहाँ बनारस में जो वो है वहाँ अपना वकील कर रखा है, और जैसे हो जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये शासनादेश के अनुसार हफ्ते महीने में 4 दिन की छुट्टी देना है, और कोई भी कर्मचारी 4 दिन छुट्टी ले सकता है, और 5वें दिन छुट्टी लेगा तो 1 दिन का वेतन कटेगा। भारत में एक बार फिर कोरोना मामले 1 दिन में 30,000 से ज्यादा सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,923 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 282 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 349 एक्टिव केस कम हुए हैं। ऐसे में कुल कोरोना एक्टिव केस 187 दिन बाद सबसे कम हुए हैं। बता दें कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,67,000 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 4,46,050 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 हो चुकी है। कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 19,600
75 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 45 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 142 मरीजों की जान जाने के साथ मृतकों की तादाद 24,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऐसे में 24 घंटे में 19,702 लोग कोरोना से उभरे हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 43,73,967 हो चुकी है। आगरा के बाहर थाना क्षेत्र में यमुना नदी किनारे 40 साल के व्यक्ति का शव तैरता मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को किशनगढ़ फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर निवासी के रूप में की है। साथ ही बताया जा रहा है कि व्यक्ति 17 सितंबर से घर से लापता हो गया था। ऐसे में पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही आगे की मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। आगरा के बसौनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने मैक्स गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से यात्रियों से भरा टेम्पो पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में घायलों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती करा दिया। वहीं मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में महिला अपने खेत से चारा लेने के लिए अपनी बेटी के साथ गई थी और वो खेत में पहले से ही टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गई। और जब उसकी बेटी ने अपनी मां को झुलसता देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और आनन फानन में महिला को गजरौला CHC ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पंचनामा भरकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक में तार टूटा हुआ था, बिजली का, उन्हें देखा ना। कब की घटना है? अच्छा, आपको कैसे पता लगा इसके माताजी के बारे में? बहन थी हमारी, वो खेत में थी, इनके साथ थी, थोड़ी दूर थे। जैसे उसकी छोटी वाली बहन ने इन्हें आवाज दी कि बोली ना, जब पता चला उसे कि हाथ साउच हो। तो बिजली का तार पहले से टूटा हुआ था? वो आज ही टूटा किसी टाइम, तो उसके ना गया था, फिर ठीक था, पानी चला गया। उसके बाद आप इन्हें कहाँ लेकर आए थे? मैं सीधा घर से जब पता चला तो यहीं लेकर आया। अस्पताल, सरकारी अस्पताल। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया? मृत घोषित कर दी। वहीं हमीरपुर में एक शिक्षा मित्र की तरफ से दो मासूम बच्चों के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मामला मोधा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र धर्मवीर मासूम बच्चियों को फैला फुसला कर स्कूल के शौचालय में ले गया था, जहाँ शिक्षा मित्र ने बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। वहीं बच्चियों ने जब शोर मचाया तो आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पूरे मामले की जानकारी पिता को दोनों बच्चियों ने शिक्षा मित्र की अश्लील हरकत के बारे में बताया तो पीड़ित पिता ने आनन फानन में कोतवाली पहुंचकर मामले की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षा मित्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे ही मामले में मोधा कोतवाली प्रभारी पवन पटेल ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है और ऐसे में शिक्षा मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी बच्ची पढ़ती है यहाँ, तो हमारी दो बच्ची हैं, तो उनको पेशाब करने गई तो पीछे से ये पहुँच गया। क्या नाम है उसका? धर्मवीर। क्या किया? तो उनको पकड़ के। कौन है धर्मवीर? अंदर ले गया उनको, उनके मुँह में उल्टा सीधा करता रहा, हूँ चिल्लाती रही, उनका मुँह दाब दिया, आँख बंद कर लिया, बस इसी तरह से परेशान किया हूँ। फिर यहाँ से भाई के मारे घर गई, फिर हमसे बताया। तो आप लोगों ने क्या किया अभी? अभी गए थे खाने, तहरीर दी है। हाँ, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? उसने फ़ोन किया कि चौकी वाले,
चौकी वाले आए हैं, उनके कहते जाओ वहीं तुमको स्कूल में मिलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।